वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो रात लेट से सोया था, तो सुबह देर से नींद खुली। रात को सोते सोते 3-4 बज गए थे और ठंड में वैसे भी उठने का मन नहीं करता। तो देखते हैं, अब दिन की शुरुआत करते हैं, क्या क्या काम पेंडिंग है, क्या क्या नहीं है। चेकलिस्ट बना रहा होता है तो ईजिली हो जाता है। सुबह गर्म पानी मिल चुका है और गर्म पानी में नमक डला हुआ है। ठंड बहुत है और जितना हो सके अपने आप को बचाओ रखो। स्वेटर वगैरह, स्वेटर शॉल जैकेट जो पहनना है पहनो, टोपा कंटोपा जितना चीज पहनना है पहन लो। आज हालत खराब, तो आवाज भी वैसे ही गला बैठ गया है ठंड की वजह से। दवाई खाते खाते मतलब दुनिया में जितने प्रकार का दवाई था सब खा लिए, तो भी नहीं समझ में आ रहा है कौन खांसी है ये जो जा ही नहीं रहा है। यार डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर भी बोलेगा कि भैया ये कौन खांसी हो गया है तुमको। क्या आज मैच है किसी का? किसका मैच है आज? आज तो इंडिया का मैच है, इंडिया जो कि बहुत ही टॉप परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक खाते हैं, ये खराब हो गया है, हटा दो। खराब नहीं हुआ, खराब होता है। क्या क्या लाना है बताना। एक काम करो, यहाँ चूड़ा को पोहा बोलते हैं, ये भी एक अलग कहानी। ठीक है, तो चूड़ा ले आना, ठीक है। और दही, पेड़ा और सर्फ। नहीं, सर्फ तो अमेजोन से ऑर्डर कर देंगे। अच्छा, 1 किलो, हाँ सर्फ ले आना। और ठीक है ना, तो बस इतना चीज़ लेके आ जाओ। जाओ आ जाओ। देखते हैं नवाब साहब, वैसे सुबह 6-7 बजे ही सोए हैं, क्योंकि उनका तो है भाई उठते रहना है और दूसरों को तंग करना है। देखते हैं क्या कर रहे हैं। साहब का बोतल भी उबल गया है, गर्म हो गया है, वैसे अभी निकालना ही है सिर्फ। यहाँ का जहाँ पे आता है नीचे, नीचे क्या आता है? बाइक आते आना है अपने। हाँ। जहाँ को जाना है, जहाँ जाना है। हाँ। अच्छा, सिर्फ सेट कर दो। अच्छा, तो ये लोकेशन सेट कर देते, ये लोकेशन सेट कर देंगे तो रहेगा थोड़ा ना। ठीक है, वो रह जाएगा। सेट कर देते हैं तो ये रहेगा नहीं, बार बार चेंज करना पड़ेगा तुमको। मतलब क्या चाहिए क्या अभी? मतलब यहाँ से जाना है। हाँ। और जिस लोकेशन पे जाना वहाँ, तो अभी जाना है। हाँ। अभी जाना वही पिकअप लोकेशन ना, तो पिकअप लोकेशन देखो इस तरीके से डालना। एक दिन तो ऐसे करके जाना पड़ेगा ना। ये रहा पिकअप लोकेशन, जहाँ जाना है वो लोकेशन डाल दो, वहाँ जहाँ जाना है वो लोकेशन। सुबह अभी सुबह हुआ तुम्हारा? हाँ, अरे ये उठ गया, उठाना क्या है, अपने टाइम से उठी। आप तो पूरे अच्छे से आंख खोल लिया, सो जाओ। तो बहुत अच्छा निकला हुआ है, बिल्कुल मतलब लग रहा है जैसे सामने बिल्कुल तेज। लेकिन ठंड के दिनों में धूप कितना सही लगता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। तो धूप मज़ा आ रहा है ना, धूप में मज़ा तो आ रहा। चला जाए क्या नीचे? और नीचे भी बैठ सकते हैं ना। हाँ, नीचे भी अच्छा धूप है। हाँ, नीचे भी अच्छा धूप है। नीचे ही आराम से जाके पार्क में मस्त ऐसा रहता है ना, खाट वाट लगा के, मस्त लगा के, चादर बिछा के, मस्त चादर वादा एकदम मस्त बिछा के ये पड़ जाओ भाई। मतलब गांव में ना ये वाला फीलिंग जो है ना, ये सब फीलिंग गांव में ही मिल सकता है कि आराम से रहो, खाट वाट बिछा लो या फिर छत पे ऐसी चादर डाल दो, चादर डाल के ये सो जाओ। 2 घंटे में तो लगता है शरीर में सारे मतलब सारा का सारा ठंड निकल जाए। अब इधर मिल नहीं पाता, बस यही है, छोटा सा बालकनी है, छोटे से बालकनी में जितना हो सके एडजस्ट कर लो। लाइफ बहुत एडजस्ट हो गई है यहाँ, ये सब चीज़ें ना गाँव में सही है कि आराम से मस्त ना फैल जाओ, चौड़े हो जाओ बस। बंदा है, ठीक है, आप इसे पहचानते हो, ये एक नया बंदा आया है। ठीक है, मतलब भाई इंग्लिश की माँ बन कर रखी है बंदे ने, इंग्लिश मेरा कोई हाथ भी नहीं पकड़ता। और बताओ, दिस ठंडा इज क्या? दिस ठंडा इज वेरी कूल ब्रो, दिस ठंडा इज वेरी कूल ब्रो, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। उठ गया नवाब साहब, उठ गया तुम, उठ गया तुम। ए देखो इधर, देखो। हेलो गाइस, बोल दो हेलो गाइस। तुम भी बोलेगा हेलो गाइस।
अभी दूध वूध पी लिया है। ओ। अभी सनबाथ लेना है। सनबाथ भी लेना है। देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। अभी तो सो के उठा ही था। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। देखो इधर सनबाथ ले रहा तुम। अरे क्या हुआ, क्या हो गया? हाय कर दो उसको, हाय कर दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय। पोहा मिला है, पोहा है, ऊपर से भुजिया है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खा कर देखते हैं। खाने में भी अच्छा ही होगा, देखने में क्या बोलने वाली बात है। चलो तो फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो सोच रहा हूँ गर्म पानी करके आराम से और उसमें नमक डालकर आराम से धूप में चेयर लगा के मस्त बिंदास बैठ जाओ। तो देखते हैं थोड़ा सा कुछ शायद रिलीफ मिले, देखते हैं। बाकी कौन कौन खेल रहा है? मतलब साउथ अफ्रीका से कौन? खलासन। अरे खलासन नहीं, खलासन खलासी है क्या जी? आर्डिडासन मलर। आर्डिडासन, आर्डिडासन के? अरे वो नहीं है डर्जन। अच्छा अच्छा, उसका नाम क्या है? वांडर डुसेन। वांडर डुसेन, डुसेन डुसेन डुसेन, कोई काम का नहीं है। इज अ बुसेन, दिस इज डेविड मिलर। अच्छा, एंड एडम मैकन, एंड्रू फ्लिप कायो, एंड दिस मैन इज बॉलिंग फॉर अटैक, कैसो महाराज। तो आज कौन जीतेगा तुम्हारे हिसाब से? आज कौन जीतेगा? 100% sure for the South Africa going to match. South Africa, अच्छा। And great performance today match. English बढ़िया हो गया ना? कुछ ज़्यादा English नहीं हो रहा है? My English is very hard. And my team is process from this match. My team is process for this match. अच्छा चलो ठीक है। कहाँ सिखाया जाता है ऐसा इंग्लिश? दिस इज माय यूनिवर्सिटी, एंड रितेश यूनिवर्सिटी। रितेश यूनिवर्सिटी, अच्छा अपना खुद का यूनिवर्सिटी है। यस, चलो फिर यूनिक लैंग्वेज। यार खांसी नहीं कम हो रहा है यार? खांसी का एक ही इलाज बड़ा हुआ है, खांसी का एक ही इलाज है लग रहा ना, जैसे यहाँ पे गल रहा है, सुरसुरी टाइप का जैसा नहीं होता, जैसे जब बंद करो ना बीच बीच में आ जाता है। हाँ, और फिर अब पियो सिरप, कोई फायदा नहीं है, जितना पी लो, मतलब जितना वो नाम का है, only for this name. Mercedes is very low quality for syrup. अरे लो क्वालिटी नहीं, जितना पी लिए, मतलब काढ़ा पिए, क्या नहीं, अदरक खाए, सब कुछ खाए, खांसी कम हो नहीं रहा है। खांसी से दोस्ती हो गया तुम्हारा? ज्यादा गहरा दोस्ती हो गया है। नहीं yes, bro. कैसे हटेगा इससे दुश्मनी में, कैसे बदले? इससे दुश्मनी चाहते हैं दूर दूर तक। दूर ये जब तक 10 को नहीं पिएगा तो कोई फायदा नहीं है। 10 तक पागल है, 10 कोई सिरप पीता है जो बिल्कुल, मतलब गांव में मतलब ऐसा, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ कौन है, तो भाई तुम्हारे गार्डियन है, ठीक है, जैसे बुलाया नहीं जाता कि हाँ भाई अपने गार्डियन को बुलाओ, तो गार्डियन मतलब कि हाँ जो तुम्हारा मतलब पेरेंट्स का जो केयर टेकिंग के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे बुलाते हैं? गार्जियन। गार्जियन हम अपने गार्जियन को लेके आते हैं, गार्जियन। अच्छा ये कौन कौन बोलता है? दिस लैंग्वेज वेरी मेरे दिया बोलता कौन है? लेडीज डिपार्टमेंट, लेडीज डिपार्टमेंट। अच्छा वहाँ पे बोलते हैं कि अपने हम अपने गार्जियन को लेकर, गार्जियन हम लेकर गार्जियन ही। अच्छा अरे तुम लोगों को नहीं पता होगा, हर चीज जरूरी नहीं ना है सबको पता होता है, धीरे धीरे ही ना सब सीखते हैं, तो वो भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, बट इतना सीख गया ना कम से कम। ये देखो अच्छा देखा करो ना, क्वालिटी अच्छा देखा करो, कोई चीज बुरा कहे देखते हो कि हाँ नहीं गार्जियन को लेके आते हैं तो उसको लेके आते, बोलना तो सीख गई ना कम से कम। मैदा से मैं पूछता था, मैदा आपके सुपुत्र क्या करते हैं? डिलीवरी बाबू, डिलीवर, डिलीवरी बाबू। चलो बढ़िया है, पर ठीक है। ओह माय गॉड, एंटरटेनमेंट है ना? एंटरटेन है नहीं, था। अच्छा था, अच्छा वो हाँ था, हो गया ना। दिस माय ग्रैंड मॉम इज गॉन फ्रॉम दिस आउट ऑफ द अर्थ, आउट ऑफ द अर्थ। सही है यार। ऐसे डांस करने में कितना मजा आता है, एकदम ऐसे ऐसे करते रहो, बस कोई कुछ करने की जरूरत, जो
ऐसे ऐसे जो करने हैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कंपटीशन नो बे, नो ब्रो, कंपटीशन नहीं, बस डांस मतलब एंजॉय दिल से, ओनली फॉर एंजॉय है ना, दिखाना थोड़ा ना है कि हाँ शरीर को इधर उधर ऐसे इधर उधर पूरा जितना हो सके मोड़ दो। दिख रहा है एकदम लास्ट में ये वाला बोल रहे हैं, ये जो है ना सामने वहाँ पर बिल्कुल उसको बोल रहे हैं, वो है कूड़ा का पहाड़, ठीक है, गाजीपुर बिल्कुल। इतना से इतना लग रहा है सामने जाएंगे तो कितना बड़ा होगा है, कूड़ा का पहाड़ बन ही चुका, और जितना वहाँ चील, जितना पक्षी, जितना काबिल जानवर है, जितना काबिल जानवर है पक्षी है, जितना लोग है ना सब उड़ रहा है। ऐसे कहा जाए तो वहाँ पर वो टोटली उन लोग का फूडिंग का व्यवस्था किया गया है, फूडिंग का व्यवस्था नहीं है जैसे है तो गंदगी ही ना, और सोचो वहाँ पे उसको पता है कूड़ा का पहाड़ एक तरीके का वहाँ पे ना वो दौलत है, देखा जाए तो अगर तुमको चाहिए तो वहाँ पर से तुम ले सकते हो, थोड़ा सा चाहिए बटवाए जाके वहीं पता चलेगा बटवाए तुमको उसके लिए तुमको वहाँ जाना पड़ेगा, उसको नहीं पता चलेगा। अरे दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं, बस यही है मतलब देखो वहाँ पे हॉस्पिटल नज़दीक, वहाँ से हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल भी नज़दीक मिल जाएगा वहाँ पे। इस बार फिर से कोरोना आ गया, ठीक है, जैसे लग रहा है सबको सर्दी खांसी बुखार एकदम बढ़ रहा है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, और मान लो फिर से एक बार आ गया तो क्या होगा इस बार बताओ। दिस दुनिया इज फिनिश। चलो फिर देखते हैं गेट को सही करते हैं, गेट में थोड़ा तेल वेल डालना पड़ेगा क्योंकि गेट काफी आवाज कर रहा है। कौन से सारा गेट कर रहा है क्या कवर्ड? सरसों तेल, अच्छा ऐसा वाला मिल जाएगा तो सही रहेगा, इस तरीके से आराम से डल जाएगा ना, कब्जा डाला, अरे कब्जा रहे चाहे उसका कुछ रहे नहीं, नहीं लग जाएगा, इसको खाली ऊपर से साफ कर दो ना, ऊपर से खाली साफ कर दो ना लग जाएगा, यही तेल डाल के देखे क्या एक बार, लाओ ना प्याज व्याज का तेल है मस्त, उसको भी मिल जाएगा पोषक है कि नहीं, केस कांति वो बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, दरवाज़ा बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। हो गया, नीचे भी डल गया, नीचे वाले कब्जा में भी और इधर भी डल गया, ठीक है, अब नहीं आवाज़ करता है, देख लें एक बार, अब ठीक है, ये आवाज़ कर रहा है, इसमें जैसे तेल वगैरह, जैसे वो रूम में भी वही था, ओके, तेल वगैरह डालने से क्या, तेल डालने से सही हो जाता है ये, तो और इसको पनीर चाहिए, देखा हो गया ना सही, बस तेल चाहिए होता, सबको चाहिए भाई तेल पानी, सबको जरूरत है, इंसान तो इंसान मशीन को भी जरूरत है तेल पानी, और तो और प्याज मिल रहा है इसको, और क्या चाहिए, प्याज वाला तेल पानी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। चलो हो गया ना, तो देखते हैं जनाब अली क्या कर रहे हैं। ओके दूध पिया जा रहा है, हाँ दूध पिया जा रहा है, नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस, सब लोगों को बोलो नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस का ना बोर्ड लगा लो ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ा हो जाओ, ठीक है, कोई नहीं कोई कुछ बोलते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। एक तरफ से दूध पिया, दूसरे तरफ से दूसरा काम भी शुरू, पचाने में ज़्यादा टाइम थोड़ा लेता है, तुरंत इंस्टेंट कि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से प्रिपेयर भी हो जाऊँ, बहुत सही है। अभी उसे दिलाया जा रहा ढकार, बर्फ वगैरह दिलाया जा रहा है, अब वो शुरू हो रहा है, उसे दिलाया जा रहा ढकार, अब वो प्रुक 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 करके सारा काम निकाल रहा है। चलो ठीक है, ये भी ये दोपहर का लंच है, रोटी कढ़ी और सैलड, तो चलो कंप्लीट करते हैं, अच्छा ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल, बाय।